नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक वगैरह चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेडकास्टल आरओआरएम 2019। फ्रेंड जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाले हैं, और सुबह वाली वीडियो में हमने विद्युत धारा के सभी शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर विद्युत धारा के हमारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, और जो भी स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स वो जल्दी से जल्दी जुट जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास, दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम है, 2 ओम है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं, पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों तारों में समान धारा 2 एम्पीयर ही प्रवाहित होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन समय, ठीक है, यानी कि आवेश जो है हमारे पास 150 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 2.5 एम्पीयर। ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध 5, 7, 13 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए आप, R=R1+R2+R3=2, यानी कि सभी का ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी आसान क्वेश्चन आएंगे, फ्रेंड्स ये केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूर्ण रूप से करवाने वाले हैं, ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिश्रित रूप से लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाएँ, क्योंकि हम यहाँ पर बीएसएफ हेडकास्टल आरओआरएम की स्टडी भी करा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम 10 ओम के प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, 1/R=1/R1+1/R2 होता है, ठीक है, और ये साधारण भिन्नों का जोड़ है, जिसको निकालने के साथ साथ कितना आएगा 3.33 ओम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तांबे के एक तार से होकर 50.50×10^18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, और इस मोली बराबर कितना है 1.6×10^-19, और फ्रेंड्स ये मान दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा बराबर कितना होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने में होने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि 50×10^18 को मल्टीप्लाई कीजिए कहीं से 1.6×10^-19 आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 8.0 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, बिंदु ए से बी की ओर 10^8 इलेक्ट्रॉन 10^4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप निकाल सकते हो, प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन समय, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको आप ऐसे साधारण कैलकुलेशन करने के साथ साथ इसका आंसर आ जाएगा 1.6×10^7 एम्पियर, और दिशा रहेगी हमारी विपरीत बी से ए की ओर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब इसके सिरों के बीच विभांतर 2 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओम के नियम से आप निकाल सकते हो, R=VI जो हमारा फॉर्मूला होता है, और वी का मान कितना दिया है 2 वोल्ट, और आई का मान कितना है 0.5, ठीक है, यानी कि आर का मान निकल सकता है, यानी कि 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक चालक का प्रतिरोध 3.0 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से कितना विभांतर उत्पन्न होगा, यदि इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभांतर 2.4 वोल्ट हो, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो आर का मान दिया है कितना 3 ओम, ठीक है, और आई का मान कितना है 0.5 एम्पियर, और विभांतर निकलवाना है, तो फ्रेंड्स V=IR से आप निकाल सकते हो 1.5 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि वी का मान दूसरी अवस्था में कितना है 0.2, और आर का मान कितना है ये 3 ओम है, और इसके बाद V=IR से निकाल सकते हो, और इससे I=हो जाएगा V/R, यानी कि 2.4 को 3.0 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आएगा, दो प्रतिरोध के मान क्रम से 6 ओम 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम या न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करनी है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि 2 प्रतिरोध है फ्रेंड्स, और ये किस पोजिशन में है, इसको आप श्रेणी क्रम में ले लीजिए, ठीक है। अधिकतम प्रतिरोध R1 तब होगा जब श्रेणी क्रम में होंगे, यानी कि R1 बराबर कितना हो जाएगा 6+3, यानी कि 9 ओम, ठीक है। और फ्रेंड्स न्यूनतम प्रतिरोध R2 तब होगा जब समांतर संयोजन समांतर क्रम में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम प्रतिरोध कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो फ्रेंड्स इसे निकाल सकते हो आप, 1/R=1/R1+1/R2 से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, एक परिपथ में 10 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, पूरे संयोजन के सिरों का विभांतर कितना है 10.0 वोल्ट है, प्रत्येक
प्रतिरोध में धारा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में, तो आर वन इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस की आर टू प्लस की आर थ्री, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 ओम, और ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर, यानी कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। 10 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, ये परिपथ दिया है, ये सभी हमारे श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू आर वन प्लस के आर टू प्लस के आर थ्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है फ्रेंड, 0.5 एम्पियर, तो 10 ओम के प्रतिरोध के विभांतर कितना हो जाएगा 0.5 गुना 10, और यहाँ पर 6 के लिए 0.5 गुना 6, और 0.4 प्रतिरोध ओम के प्रतिरोध का विभांतर हो जाएगा 0.5 गुना 4, यानी कि 2 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। इसके बाद देखते हैं कि धातु के तार की लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है, ज्ञात कीजिए। यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या करना है, माना कि तार की लंबाई आपको क्या लेनी है, एल1 इजिकल टू एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 इजिकल टू A, यानी कि तार को खींचने पर लंबाई L2 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 बराबर कितना A, ठीक है। और फॉर्मूला लगा देना है आपको, A1 L1 इजिकल टू A2 L2, इसको आपको रेशियो में रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर खींचने से पूर्व प्रतिरोध कितना है, R इजिकल टू रो L1 अपॉन A1, और खींचने के बाद R डैश PL रो L2 अपॉन A2, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको हल कर लेना, दोनों को रेशियो में रख लेने के साथ साथ, ठीक है। और फिर प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, R डैश में से R घटा देनी है और उसका परसेंटेज आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 × 10³ ओम है तथा 75% इसके वर्ण कोड के मान क्रम से लिखिए। तो फ्रेंड्स ये तो छोड़ दीजिए अभी। इसके बाद देखते हैं, एक विद्युत हीटर को 200 वोल्ट मेन से जोड़कर कार्य किया जाता है। यदि 100 ग्राम पानी को 30 सेकंड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, उत्पन्न ऊष्मा फॉर्मूला होता है H=VIT/4.2 कैलोरी, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको तब्दील करने के साथ साथ ये हो जाएगा V²R×T/4.2 कैलोरी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यह उसमें पानी द्वारा ली गई है, तो पानी द्वारा ली गई उसमें MS×ΔT या फिर डेल्टा थीटा, और वी इक्वल टू कितना 200 वोल्ट, एम बराबर कितना 100 ग्राम, और S1 का मान कितना हो जाएगा, एस का मान कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा 80 − 20, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और टी का मान कितना है 30 सेकेंड, एच का मान कितना है यहाँ पर 100 × 1 × 60, यानी कि V²R×T/4.2 = MS∆θ के बराबर यहाँ पर रख देना है, और उसके बाद आर का मान निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 μΩ/cm है। नाइक्रोम को 8 मीटर लंबे तथा 0.01 cm² प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये रो का मान कितना है यहाँ पर, इसको आप मीटर में तब्दील कर लीजिए। एल का मान कितना है यहाँ पर 8 मीटर, ठीक है। और ए का मान कितना है 0.1 cm², ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरोध R=ρL/A, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, यदि हम जनरल तरीके से देखें इसका तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये वाले हमारे क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और फ्रेंड्स इनके सामने वाला ये समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये फिर जो इनका परिणामी आएगा वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और ये इनके सामने वाला समांतर क्रम में हो जाएगा। इस तरीके से आप इनका परिणाम प्रतिरोध निकाल सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स ये हमारे जो सामने वाले हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये समांतर क्रम में है, और इनके साथ ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो। हम इसकी वीडियो जो बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी PDF भी बना देंगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी PDF भी आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं, 15 वोल्ट और 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट दृश्य धारा स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, निम्न राशियों की गणना कीजिए। परिपथ में धारा का मान, लैंप का प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल R का मान, यानी कि धारा का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, I=P/V, ठीक है। यानी कि 20 को 15 से डिवाइड करने के बाद 4/3 एम्पियर आ जाएगा। लैंप का प्रतिरोध, यानी कि लैंप का प्रतिरोध कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स, RL=V²P, यानी कि आपको फॉर्मूले ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स, कि V=IR से, या फिर इनको तब्दील कर लेना है R के पदों में, एम्पियर के पदों में, धारा के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। इस तरीके से आपको बताया भी है फ्रेंड्स इससे पहले, जो आपने पढ़ा भी होगा, उसके आधार से आप निकाल भी सकते हो। और यहाँ पर परिपथ में लगा विभवांतर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 25V, यानी कि 25 वोल्ट = V-, ठीक है। और इस तरीके से आप कुल प्रतिरोध इसका निकाल सकते हो फ्रेंड्स, R+11.25 = R-, और यहाँ पर V-, I
आर डैश, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स हम उसकी पीडीएफ भी डाल देंगे, आपको बता भी देंगे। दो बल्बों पर क्रम से 220 वोल्ट और इतने वाट, इतने भी वोल्ट, इतने वाट अंकित किया गया है। 220 वोल्ट मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। गणना द्वारा दोनों में उत्पादित ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आर वन का मान निकाल लीजिए 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध के निकालने के लिए, और 50 वाट के बल्ब का प्रतिरोध आर टू इजिकल टू निकाल लीजिए। और यहाँ पर टी सेकंड में 100 वाट के बल्ब में उत्पन्न ऊष्मा एच वन इजिकल टू क्या होता है, स्क्वायर आर वन टी अपॉन जे। और इस तरीके से आप इसको पहली वाली अवस्था को दूसरी वाली अवस्था से डिवाइड कर देना, यानी कि रेशियो में रख देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻¹⁰ इसके 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ को प्रतिरोधकता क्या होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एल बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15 मीटर और ए बराबर कितना 6 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कैपिटल आर प्रतिरोध को निरूपित करते हैं हम कहीं से, कैपिटल आर से। और फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोधकता का, रोज इक्वल टू आर कैपिटल ए अपॉन एल। और इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो फ्रेंड्स, यानी कि 5 × 6 × 10⁻¹⁷ अपॉन 15 और डिवाइड करने के बाद आएगा फ्रेंड्स कितना 2 × 10⁻¹⁷ ओम मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के, यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है जो फ्रेंड्स, उसके जो हमारे न्यूमेरिकल थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिए हैं। और इसी आधार से आपको न्यूमेरिकल याद करने हैं, इसी वो निकालने हैं, और इसी आधार से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए हैं फ्रेंड्स, इन आधार से हमारे न्यूमेरिकल वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और उसके लॉन्ग क्वेश्चन ले चुके हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग क्वेश्चन को हम जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि एक एक चैप्टर को यहाँ पर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर बीएसएफ हेडकास्टल आरओआरएम की भी स्टडी करा रहे हैं बड़े सटीकता से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।